हेलो फ्रेंड्स, डेली टेक ट्यूटोरियल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप कैसे अमेज़ॉन से किसी भी सामान को EMI यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। देखिए, मैंने इसके पहले अपने इसी चैनल पे बहुत सारे अमेज़ॉन इंडिया शॉपिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए थे, जिसमें लोगों को बहुत डाउट था कि वो अपने डेबिट कार्ड से सामान EMI के थ्रू कैसे खरीद सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू किसी भी सामान को EMI में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि EMI से आपको अगर ख़रीद करनी है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बहुत हाई चांसेस है कि आप अमेज़ॉन इंडिया से बहुत सारे सामान EMI के थ्रू ख़रीद सकते हैं। तो देखिए, अभी तो मैं मोबाइल ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप अमेज़ॉन इंडिया को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या फिर टैबलेट डिवाइस पे यूज़ करते हैं तो सभी में ऑप्शन सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा वहाँ पर कुछ और दिखेगा, ऐसा नहीं है, इंटरफेस बस चेंज रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अमेज़ॉन इंडिया पे लॉगिन कीजिए अपने अकाउंट में, उसके बाद योर अकाउंट में जाइए। योर अकाउंट में अब आप अमेज़ॉन पे जो फील्ड है वहाँ पर मैनेज पेमेंट ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने बहुत सारे अपने कार्ड ऐड करके रखे हैं और ये सभी क्रेडिट कार्ड हैं, क्योंकि मैं अमेज़ॉन से जो परचेसेस है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करता हूँ, मैं डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं खरीदता कोई भी सामान को। तो देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप EMI से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड अ पेमेंट मेथड, ये देखिए नीचे लिखा है, इसके थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड को यहाँ ऐड कीजिए। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड को अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो सबसे पहले आपको नेम ऑन कार्ड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपके कार्ड पर कोई नाम प्रिंट होगा उसको आप लिखिए, 16 डिजिट का कार्ड नंबर यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आप जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसको एंटर कीजिए, हो सकता है आपकी एक्सपायरी डेट समझ लीजिए अप्रैल 2020 हो, जो भी है आप उसको यहाँ पर एंटर कीजिए। आपने एक बार ये सब डिटेल सही डाली, ऐड योर कार्ड पे टैप कीजिए और जैसा कि मैंने आपको पहले पेज में दिखाया, ये जो मैनेज पेमेंट ऑप्शन का जो पेज है इस टाइप से आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको कार्ड सिक्योरिटी कोड जो कि 3 डिजिट का होता है, जिसको CVV कोड भी कहते हैं, वो अभी यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कोई फील्ड ही नहीं आई, क्योंकि कार्ड आपका जो ऐड होता है वो आपका 16 डिजिट के कार्ड नंबर, नाम और एक्सपायरी डेट के हिसाब से यही 3 चीज़ के एंटर करने के बाद ऐड हो जाता है। और वो जो 3 डिजिट का कार्ड सिक्योरिटी कोड है वो अमेज़ॉन तभी आपसे मांगेगा जब आप कुछ खरीदी कर रहे हो। एक बार आपने अपने कार्ड को, क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर एंटर कर लिया, अब चलिए अपन देखते हैं कैसे EMI के थ्रू परचेस किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, समझ लीजिए आपको अमेज़ॉन से आईफोन ख़रीदना है, तो मैं आईफोन पे सर्च करूँगा। अब यहाँ पर जैसे समझ लीजिए, मुझे ये एप्पल आईफोन SE स्पेस ग्रे कलर 32 GB ये ख़रीदना है, जिसकी कीमत है 21,499। इसमें मैं टैप करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट का पेज लोड हो गया है और अब अगर मेरे को देखना है कि मुझे कितनी EMI पटानी है या फिर क्या क्या प्लान है EMI के, तो देखिए यहाँ पर लिखा है EMI स्टार्ट सेट 1022, उसके आगे ऑप्शंस लिखा है, तो आप इस ऑप्शंस पे टैप कीजिए या फिर क्लिक कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे बैंक की लिस्ट आ गई है, बहुत पॉपुलर बैंक है, यहाँ पर SBI है, जैसे HDFC है, ICICI है, Citibank है, तो जो भी आपका बैंक है उसका आप देख लीजिए कि क्या EMI की प्लान्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। देखिए SBI का आप चाहें तो देख सकते हैं,
मेरे पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, का देखूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है बहुत महंगा है, 21499 का, और मैं इसको समझ लीजिए 24 मंथ्स का प्लान लेता हूँ, यानी कि मैं 24 महीने तक EMI पटाना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। तो उस केस में मुझे बैंक को 1042 रुपीज़ 24 महीने तक पटाने पड़ेंगे, और ये जो 1042 रुपीज़ है, इस पे कुछ मेरे को एक्स्ट्रा 15% का इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया है इस 1042 में, क्योंकि बैंक आपको जो EMI में कन्वर्ट कराने की फैसिलिटी दे रहा है, 21499 को जो 24 महीने की EMI में कन्वर्ट कराने की फैसिलिटी दे रहा है, ताकि आप आराम से 2 साल तक के थोड़ा थोड़ा अमाउंट पटाते जाएं, तो बैंक ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो कमाएगा। तो देखिए, ये जो 1042 रुपीज़ है, इसमें 15% बैंक का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी इंक्लूड है, और मैं अगर 1042 24 महीने तक पटाता हूँ बैंक को, तो ये प्रोडक्ट की कीमत जो मुझे पड़ेगी वो है 25,000, 25,018 रुपीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट की कीमत थी, अगर आप एक बार में पेमेंट करते अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू विदाउट EMI ऑप्ट किए, तो 21499 देना पड़ता। पर अगर जैसे समझ लीजिए आप इसको 24 मंथ्स की EMI पे कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो अब आपकी कीमत प्रोडक्ट की हो जाएगी 25018। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो इस वीडियो में समझाने के लिए आपको 24 मंथ्स का बता रहा हूँ, आप चाहे तो 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 9 मंथ्स का ले सकते हैं, जैसे भी आपको लगे वो लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट EMI के थ्रू खरीद रहे हैं, और वो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपके क्रेडिट कार्ड का जो अवेलेबल बैलेंस होना चाहिए वो इस प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट समझ लीजिए 25,000 है, तो आप इस 21499 के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि 21499 EMI कन्वर्ट कराने के बाद आपके कार्ड अकाउंट से लॉक हो जाएगा, और आपके इसमें सिर्फ अब कार्ड में जो अवेलेबल बैलेंस बचेगा वो 3,500 का ही बचेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आपको जो भी प्लान चाहिए वो आप यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कीजिए। कार्ट में जाइए, प्रोसीड टू चेकआउट कीजिए। अगला पेज आपसे डिलीवरी एड्रेस पूछेगा, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो अगला पेज है, ये फिर बोलेगा डिलीवरी ऑप्शन। तो देखिए, मेरा प्राइम अकाउंट है, तो मुझे कुछ एडिशनल डिलीवरी ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल टुमारो बाय 8 PM ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अमेजोन है कोई भी प्रोडक्ट जो कि 3,000 रुपये के ऊपर है उसको EMI में कन्वर्ट कराने की फैसिलिटी देता है। तो देखिए, जैसे एक बार आपने मैनेज पेमेंट ऑप्शंस में जाके जो अपना कार्ड ऐड किया है, और वो अगर सक्सेसफुली ऐड हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो अपना आपका कार्ड दिखने लगेगा। अब देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि खरीदी करते समय आपको CVV कोड डालना है, तो यहाँ देखिए एंटर CVV लिखा है, तो आपके कार्ड के बैक साइड में जो 3 डिजिट का CVV यानी कि कार्ड सिक्योरिटी कोड प्रिंट है, उसको आप एंटर कीजिए। मैंने यहाँ पर 123 डाल दिए। अब उसके बाद EMI अवेलेबल जो लिखा है, इस पर आप टैप कीजिए, और मैं जैसे बताया मैं 24 मंथ्स का लेता हूँ, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो 24 मंथ्स की जगह आप समझ लीजिए 9 मंथ्स ले सकते हैं, या फिर 3 मंथ्स 6 मंथ्स ले सकते हैं, जैसे भी आपको पेमेंट जैसे भी करना है, जैसे भी आपकी कन्वीनियंस है, उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन।
उसके बाद आप इस कंटिन्यू बटन पर टैप कीजिए, फाइनल चेकआउट वाले पेज में पहुंच जाएंगे और वहां पर जाके आप अपने जैसी प्रोसीड टू पे पे टैप करेंगे, आप अपने बैंक के पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको वेरीफाइड बाय वीज़ा या वेरीफाइड बाय मास्टर कार्ड का जो कोड है वो डालना पड़ेगा, या फिर ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा वो डाल के आपको पेमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। और एक बार अगर पेमेंट आपका अप्रूव हो गया तो अमेज़ॉन पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। और साथ साथ में कुछ दिन बाद ये जो ईएमआई अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली बैंक आपके कार्ड से लॉक करेगा पहले, और उसके बाद उसको ईएमआई पे कन्वर्ट कर देगा।